हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए जनवरी से वीकली करंट लेके आ रहे हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, आपको हर मंथ का करंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप सभी के लिए अब हम डेली करंट लेके आएंगे। देखो, एनटीपीसी में करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डेली करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके लिए डेली करंट आपको हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे जैसे ही हम आपके लिए करंट डाल दें, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके सामने भी दे रखा है, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिससे आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाएं और पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर लें और अपने पास में रख लें। आप हमारे वीडियो को देख लें और बाद में जब रिवीजन का टाइम आएगा, तो आप आराम से उस पीडीएफ के थ्रू हमारे वीडियो को, हमारे जो करंट हम आपको दे रहे हैं, उसको आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। ठीक है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप सोचें जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 1 जून, 15 जून, 12 जून। इसका आंसर है 1 जून। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है एके मित्तल, विक्रमनाथ, अनिरुद्ध बोस, एन बी आर गवई। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, विश्व उच्च न्यायालय के मेघालय की बात कर रहे हैं अपन। देखो, अपने यहाँ पे 7 अलग अलग मुख्य न्यायाधीश हैं, 7 अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, चंडीगढ़ में है, जो भी मतलब 7 क्या है, ये मुख्य ये उच्च न्यायालय शेयरिंग के अंदर है। ठीक है, चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय भी शेयरिंग के अंदर है, वैसे ही असम का जो उच्च न्यायालय है वो भी शेयरिंग में है। असम का उच्च न्यायालय असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, तो ये चारों स्टेट जो गुवाहाटी के अंदर हाई कोर्ट है वो उसी को यूज करते हैं, मेघालय उच्च न्यायालय का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए के मित्तल हो गया, विक्रमनाथ हो गया, अनिरुद्ध बोस हो गया, वी आर गवई हो गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए के मित्तल। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर बैन लगाने की घोषणा की है? विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? ये आता है 31 मई को, है ना, 31 मई को। और 1 मई को कौन सा आता है? 1 मई को आता है वर्ल्ड लेबर डे, मजदूर दिवस आता है, और 31 मई को आता है विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो इस अपना क्वेश्चन क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर बैन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल एंड राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है राजस्थान। चौथा क्वेश्चन अगर अपन देखें, भारत की राजधानी दिल्ली का कौन सा इलाका एशिया पैसिफिक में चौथा सबसे महंगा ऑफिस बाजार बन गया है? एशिया पैसिफिक में चौथा महंगा ऑफिस बाजार बन गया है। ऑप्शन है गुड़गांव, राजीव चौक, साउथ दिल्ली और कन्नौट पैलेस। तो इसका आंसर सोचें, इसका आंसर है कन्नौट पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितने रुपये देने का ऐलान किया है? ऑप्शन है 5,000, 4,000, 9,000 एंड 6,000। जैसे भी आप सभी को पता है, अभी अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इलेक्शन के अंदर जीत हो गई है, और उन्होंने अपना कार्यकाल संभालते ही पहला जो काम किया है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को रकम मिलने वाली थी, उसको हरी झंडी दिखा दी गई है। तो उनका जो पहला वादा जो इलेक्शन के अंदर उन्होंने किया था, उसको पूरा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला वेल बींग बजट पेश किया? तो कौन से देश ने किया है विश्व का पहला वेल बींग बजट? ऑप्शन है म्यांमार, कनाडा, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड। तो सोचें
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने वेल बींग बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एडमिरल करमवीर सिंह ने भारतीय नौसेना के कौन से नंबर के प्रमुख का कार्यभार संभाला है? देखो तो इसमें दो ऑप्शन आपको, दो दो क्वेश्चन आपको पता लग रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना के कौन नए प्रमुख बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा करमवीर सिंह। अगर वो पूछता है कि कौन से नंबर के बने हैं, तो इसका ऑप्शन आपको दे रखा है 20, 21, 23 एंड 24। इसका आपको सोचना है, इसका आंसर है 24th। ठीक है, अच्छा ये तो अभी बने हैं, अभी इन्होंने अपना नया कार्यभार संभाला है, पहले कौन था उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि पहले प्रमुख का जो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख थे वो कौन थे। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं सभी का रिप्लाई करूँगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, भारत के हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोजेट इंजन के प्रयोग हेतु मंजूरी दी गई है? फर्स्ट है ग्लोबल 5000, MiG-21, Mirage 2000 एंड फोर्थ ऑप्शन है AAN-32। तो इसका आंसर जल्दी सोचें फटाफट, इसका आंसर है AAN-32, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई है और उनका पोर्टफोलियो भी आ चुका है, तो जिस जिस जो उनका कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट कौन किसको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, सब आ चुका है। और इसका भी वीडियो हमने हमारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, नीचे प्ले लिस्ट में जाएँ और चेक करें वीडियो, और जो भी मंत्रालय जिस जिस जन को दिया गया है उसका आराम से आपको वीडियो मिल जाएगा और उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है, गंगा मंत्रालय, गो मंत्रालय, दुग्ध मंत्रालय या जल शक्ति। तो हाल ही में भारत सरकार ने कौन से नए मंत्रालय का गठन किया है, इसका आंसर क्या होगा? जल शक्ति। तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 100% मैं श्योर हूँ आपको आने वाले एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो आज ही इस क्वेश्चन को याद कर लें। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है ए अर्जुन मुंडा, बी रमेश पोखरियाल, सी प्रमोद दसारी एंड डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल्दी सोचें फटाफट, अगर आपको क्लिक कर रहा है तो, अगर आपको अभी क्लिक नहीं कर रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और जो कैबिनेट मिनिस्टर जो हमने मंत्रालय जिस जिसको अलोकेट किया गया है वो वीडियो ज़रूर देखें, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ अब लेके आते रहेंगे, तो उसका आपको बस एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे जैसे ही हम नया वीडियो डालें आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि RRB NTPC के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट पार्ट RRB के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। RRB बहुत रेलवे का सबसे प्यारा टॉपिक ये करंट। अगर आपने छोड़ दिया तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, इसलिए करंट तो आप लोगों को करके ही जाना है। ठीक है, इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाएं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।